नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे चोर को पकड़ने के बारे में कि चोर को कैसे पकड़ा जाता है। एक यंत्र क्या चोर को पकड़ सकता है? क्या एक सफ़ेद मुर्गा चोर को पकड़ सकता है? तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय तंत्रों को आज हम खोलेंगे। विद्याएँ होती है, मंत्र बहुत कारगर होते हैं। मंत्र ओरिजिनल होने चाहिए, सिद्ध होने चाहिए और गुरु के द्वारा दिए हुए होने चाहिए, तभी वो मंत्र काम करते हैं। कोई भी मंत्र ऊट पटांग पढ़ने से शक्तियाँ काम नहीं करती। उस मंत्रों के अंदर लिखे हुए देवी देवता, उसके अंदर लिखे हुए मुवक्किल, वो सब काम करते हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन अगर काम आपका जायज़ होगा तो ही काम करेंगे। आप नाजायज़ काम के लिए अगर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बहुत से ऐसे होता है कि कई लोग ऐसे साथ में रहते हैं, वहाँ चोरी हो जाती है या किसी के घर में चोरी हो जाती है, उसके बाद जहाँ डाउट होता है। ऐसा नहीं कि एक अनजान जगह पर चोरी हो गई, चोरी वहाँ हुई जहाँ 4-5 लोग 10 लोग थे और चोरी होने के बाद भी वो 10 लोग वहाँ पर है। उनमें से अगर कोई चोर का पता लगाना होगा तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे फला के घर में चोरी हो गई, वहाँ जाके ये सब प्रैक्टिकल करोगे, तो क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताऊँगा, इस यंत्र को आपको भोजपत्र के ऊपर लिखना है केसर से और अनार की लकड़ी से लिखना है। अनार की लकड़ी को बारीक कर लीजिए, केसर से लिखिए। उसके बाद एक सफ़ेद रंग का मुर्गा लिख गया है। सफ़ेद मुर्गा यानी जैसे मान लेते बॉयलर मुर्गा भी मिल जाता है, देसी मुर्गा मिल जाए तो और अच्छा होगा, लेकिन अगर बॉयलर मिल जाए तो ठीक है। एक अच्छी सी नई टोकरी आपको लानी है, याद रखिएगा। और मुर्गे के गले में आपको वो यंत्र को लिखना है। यंत्र को लिखने का समय जो होगा ना, वो जवाल का टाइम होगा, यानी कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का टाइम होगा, दोपहर में, या तो दोपहर के एकदम एग्जैक्ट 12 बजे भी लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ऐसे वक्त में अगर आप उस नक्श के ऊपर उसको लिखते हैं और उसको धागे से लपेट के मुर्गे के गले में आपको बांधना है, टाइट नहीं बांधना, हल्का लटकाना है। और आपको उस मुर्गे को चाहे आप यंत्र को आप चाहो तो शाम को भी बांध सकते हो मुर्गे को, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल जो होगा ना, ये आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे से पहले ही करना है, शाम को सूरज ढलने के बाद आप नहीं कर सकते इसको। तो आप क्या करें, एक मुर्गे को रखें उसको, और जहाँ रखना हो मकान में, जहाँ चोरी हो गई वहाँ रखना है उस मुर्गे को। उस मुर्गे पर यंत्र बांध के छोड़ना, उसके ऊपर टोकरी को ढाप देना है। अब सामने वाले के घर में जितने भी लोग होंगे, जिनके जिनके ऊपर अगर आपको शक होगा, उनको कहिएगा एक एक करके जाके आप उसके ऊपर हाथ रखें। वो मुर्गा कोक 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 करेगा, इसका मतलब ये नहीं, मुर्गा चिल्लाएगा इसका मतलब ये नहीं, वो मुर्गा बांग देगा। सबसे बड़ी बात, चिल्लाएगा जोर से बांग देगा, लेकिन जब भी वो आदमी अपना हाथ रखेगा तभी वो बांग देगा। अगर वो व्यक्ति वाकई में चोर होगा तो, अगर वो कपकपा के आवाज़ निकालेगा तो उसका मतलब वो चोर नहीं है, ध्यान रखिएगा, या उसने चोरी नहीं किया होगा। और वैसे भी चोर जब हाथ रखेगा तो वो यंत्र चमत्कार की तरह काम करता है। तो जब बांग देगा तो हाथ हटा लिए, बांग दिया, फिर आप किसी और का हाथ रख के देखना, नहीं दिया, फिर उसी आदमी का फिर रखना, फिर दिया। ऐसा आपको 3 बार करना। अगर 3 बार अलग अलग समय पर किसी और को भी ट्राई करने के बाद उसी के हाथ पे अगर आवाज़ आ रही है तो कहिएगा भैया सामान लौटा दे, क्योंकि इससे ही एक बहुत आसान तरीका मैंने ये आपको बताया है कि चोर को किस तरह से मतलब दिखाता है। पहली बात, चोर आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, उसके ये चेहरा कांपने लगेगा, डर का माहौल रहेगा। और चोर चोरी करने के बाद सबसे बड़ी बात, अगर आसपास का कोई होता है, उसकी मजबूरी होगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो लिया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि, और हो सकता है कि अगर मुर्गे ने बांग नहीं दिया तो इसका मतलब ये होगा कि चोर कोई बाहर का होगा, आया और चोरी करके चला गया। ज़रूरी नहीं है कि 3 बार अगर बांग देगा मुर्गा, ध्यान रखिए 3 बार अगर बांग देगा तो ही समझना है आपको कि उसने चोरी किया। अगर मुर्गे ने 1 बार बांग दिया, दोबारा उस आदमी के लिए बांग नहीं दिया 3री बार, तो वो आदमी चोर नहीं होगा। 1 बार बांग दिया क्या होता, वो चोर नहीं है, 3 बार बांग देना चाहिए, ठीक है। तो इस मंत्र को जो आपको अच्छे से उसको करना है, श्री ओम नमो इंद्रांगनी बन्य बांधाय स्वाहा, इस मंत्र को आपको याद से यंत्र पर लिखना है। मेरे गुरु के द्वारा बताया गया ये यंत्र था और बहुत सी ऐसी विद्या उन्होंने बताई थी और मैं उसी विद्या को आप लोगों के सामने लाने की पूरी कोशिश करते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 9819003308 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कुछ चमत्कारी तावीज़ें बनाने वाला हूं, आप लोग के सामने लाऊंगा। 5001 रुपये की एक तावीज़ होगी जिसके अंदर आपकी हिफाजत, बंदिश, रक्षा कवच और बहुत सी चीज़ें वो काम करेगी। वो तावीज़ आप मुझसे पर्सनली खरीद सकते हैं व्हाट्सअप करके, और मैं आपको पर्सनली वो तावीज़ भेजूँगा और आपसे बात भी करूँगा। तो अगर आपको तावीज़ चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पर
कॉल और मैसेज जरूर करिएगा। तावीज़ बंदिश की होगी, हिफाजत की होगी, रोजी रोटी की होगी और आपके जादू टोने को काटने की होगी। याद रखने का, वशीकरण मारन दुश्मन का बुरा करना, इस तरह की कोई भी फालतू तावीज़ मैं नहीं बनाता। तो दिन का टाइम होना चाहिए, ध्यान रखिए, और कोई भी दिन सोमवार से लेकर शनिवार शुक्रवार कोई भी दिन होगा चलेगा। बस आप पाक साफ हो, नहा धो के आप इस यंत्र को हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अंदर लिख करके मुर्गे के गले में काले धागे में बांध के आपको लटकाना। मुर्गा बॉयलर होगा तो चलेगा, लेकिन मुर्गा भी तंदुरुस्त होना चाहिए, ऐसा मरिया हुआ बीमार वाला नहीं, अच्छा भागने वाला होना चाहिए। प्रैक्टिकल करो, उसके बाद समझ में आएगा कि वाकई में कुछ होता है कि नहीं होता है। और वो मुर्गा और वो टोकरी इस्तेमाल नहीं करना, याद रखना, उड़ा देना है वो मुर्गा उस चोर के नाम पे। चोरी का सामान अगर नहीं मिला तो उस मुर्गे को उड़ा देना है, क्योंकि हमने उस पर जिन शक्तियों का नाम लिया वो शक्ति उस मुर्गे का भोग लेकर या उस शक्तियों को कि जो अधीन काम करते हैं वो लोग उसका भोग लेकर उस चोर को ढूंढने की कोशिश करेंगे या उसके मन को ऐसा विचलित और बेचैन कर देंगे, वो लाके अपना सामान फेंक के जाएगा। और वो टोकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मुर्गा आपको फेंक देना है और वो तावीज़ निकाल के आपको जला देनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय को, संपूर्ण पुस्तक को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।